दोस्तों टेक दुनिया के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करता हूँ टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के कुछ लेटेस्ट और कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में। तो अगर आप भी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के पल पल के खबरों से रहना चाहते हो अपडेट, तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं लाता हूँ आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ही डिटेल में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहल, आप देख रहे हैं टेक्निकल जंक्शन। तो चलिए टेक दुनिया में। दोस्तों आज के लिए स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट से, जो कि है स्पेसएक्स से रिलेटेड। दोस्तों स्पेसएक्स ने अनाउंस किया एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें कि पहली बार एक टूरिस्ट को चांद पे भेजा जाएगा। दोस्तों आज से पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि स्पेस में या फिर चांद पे लोगों को भेजा गया है, ह्यूमंस को भेजा गया है, लेकिन आज से पहले जितने भी लोग स्पेस में या फिर चांद पे गए थे वो सारे एस्ट्रोनॉट थे। आज तक कोई कॉमन पीपल स्पेस पे नहीं गया, और ऐसा करने वाली पहली कंपनी है स्पेसएक्स, जो पहली बार एक नॉर्मल कॉमन आदमी को स्पेस में भेजने वाली है, चांद पे भेजने वाली है। दोस्तों स्पेसएक्स ने अपने ट्विटर हैंडल पे यह जानकारी दी है कि स्पेसएक्स ने दुनिया के पहले प्राइवेट स्पेस पैसेंजर से डील फाइनल कर ली है, और उसे स्पेसएक्स के DFR लॉन्च व्हीकल, मतलब कि बिग फाल्कन रॉकेट व्हीकल, जो कि स्पेसएक्स का अपना लॉन्च व्हीकल है, उसके थ्रू चांद पे भेजा जाएगा। दोस्तों अगर स्पेसएक्स का ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो आने वाले दिनों में स्पेस टूरिज्म एक बहुत ही बड़ा मार्केट बनकर उभरने वाला है, क्योंकि आपको ऐसे बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड मिलते हैं जो कि स्पेस में या फिर चांद पे जाना चाहते हैं। अभी के लिए ये बहुत ही हाई प्राइस्ड है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में ये भी चीप होगा और आप नॉर्मल पीपल भी स्पेस तक जा सकोगे, और इतनी अच्छी जानकारी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की ओर। तो अगला अपडेट है Xiaomi के Redmi Note 5 Pro के MIUI 10 अपडेट से रिलेटेड। दोस्तों इसी साल फरवरी के महीने में Redmi Note 5 Pro लॉन्च किया गया था, और लॉन्च होने के पहले ही दिन से ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट के अंदर एक बहुत ही बड़ा हिट था, क्योंकि ये आपको अफोर्डेबल प्राइस में बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करता था। और फरवरी के नेक्स्ट मंथ मार्च में Xiaomi ने MIUI 10 अनाउंस किया था, और अनाउंस होने के दिन से ही Redmi Note 5 Pro के यूजर्स को MIUI 10 के अपडेट का इंतजार था, और अब फाइनली ये वेट खत्म हो गया है, क्योंकि Xiaomi ने Redmi Note 5 Pro यूजर्स के लिए MIUI 10 का ऑफिशियल अपडेट रिलीज कर दिया गया है। जिन यूजर्स को ये अपडेट मिल गए हैं बहुत अच्छी बात है, और जिन यूजर्स को अभी तक ये अपडेट नहीं मिले उन्हें भी परेशान होने की कोई बात नहीं, आने वाले कुछ दिनों में आपको MIUI 10 का अपडेट मिल जाएगा। दोस्तों ये जो अपडेट कंपनी रिलीज करती है ये OTA अपडेट्स होती हैं। OTA का मतलब है ओवर द एयर, मतलब ये जो भी कंपनी है जो अपडेट रिलीज की जाती है ये बैचेस में की जाती है, मतलब कुछ फेजेस होते हैं उनमें अपडेट रिलीज किया जाता है। आपके फोन में कब अपडेट आता है ये डिपेंड करता है कि आपका फोन किस फेज में है। जिन यूजर्स को अभी अपडेट मिल गए हैं वो इनिशियल फेजेस में उनके फोन आए होंगे, और जैसे जैसे आपका फोन जिस जिस फेज में आएगा आपको उसी तरह अपडेट मिलता जाएगा। तो इसीलिए आपको परेशान होने की कोई बात नहीं, कुछ दिन के अंदर Redmi Note 5 Pro के हर यूजर को MIUI 10 अपडेट मिल जाएगा। वैसे अगर आप मैनुअली चेक करना चाहते हो कि आपके फोन में अभी MIUI 10 अपडेट आया है या नहीं, तो उसके लिए आप अपने फोन के सेटिंग के अंदर अबाउट फोन में देखना, वहां पे सॉफ्टवेयर अपडेट सेक्शन होगा, उसमें आप चेक कर सकते हो कि आपके फोन के लिए अपडेट आया है या नहीं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। तो अगला अपडेट है हॉटस्टार और फ्लिपकार्ट के डील से रिलेटेड। दोस्तों मिंट डेली नाम की एक न्यूज एजेंसी है, और उनके हवाले से खबर ये आई है कि वॉलमार्ट की ऑनरशिप वाली फ्लिपकार्ट ने स्टार इंडिया के वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज हॉटस्टार में कुछ शेयर खरीदने की प्लानिंग की है, और इसके लिए हॉटस्टार और फ्लिपकार्ट के बीच जो इनिशियल टॉक्स होती है वो स्टार्ट भी हो चुकी है। दोस्तों इंडिया के अंदर ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग का मार्केट अभी बहुत ही ओपन है, इसमें आपको तीन चार बड़े प्लेयर्स ही देखने को मिलते हैं, फिर चाहे वो हॉटस्टार हो, नेटफ्लिक्स हो, या फिर अमेजन प्राइम वीडियो हो, सोनी लिव हो, और इसके साथ साथ कुछ आपको नॉर्मल प्लेयर्स भी मिलते हैं जैसे कि हूट हो गया। और इसमें बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि इंडिया में जितने भी यूजर्स हैं वो टीवी से स्विच कर रहे हैं ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग की तरफ। हॉटस्टार को रिलीज किया गया था 2015 में, और तभी से हॉटस्टार आप यूजर्स तक बहुत ही प्रीमियम कंटेंट पहुंचा रहा है, फिर चाहे वो HBO का बहुत ही पॉपुलर टीवी सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स हो, या फिर IPL इंडियन प्रीमियर लीग का लाइव स्ट्रीमिंग हो। और इसी सब चीजों को देखते हुए फ्लिपकार्ट ने, और फिर अमेजन प्राइम वीडियो को कम्पीट करने के लिए भी, क्योंकि अमेजन और फ्लिपकार्ट में कंपटीशन चलता है, तो उसको कम्पीट करने के लिए फ्लिपकार्ट इस वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज, ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज में कदम रखने जा रहा है। देखते आने वाले दिनों में फ्लिपकार्ट का ये कदम कितना सक्सेसफुल हो पाता है। दोस्तों बात Redmi Note 6 Pro की, जो कि होने वाला इंडियन मार्केट में Redmi के Note 5 Pro का सक्सेसर, जो कि इंडियन मार्केट में बहुत ही धमाल मचाया जिस फोन ने। दोस्तों Redmi Note 6 Pro के बारे में वैसे तो अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि ये कब रिलीज किए जाएंगे या फिर इसकी प्राइसिंग क्या होगी, लेकिन Reddit.com पे कुछ फ्रेश पिक्स लीक हुए हैं, कुछ रिटेल बॉक्सेस रिलीज हुए हैं, लीक हुए हैं Redmi Note 6 Pro की। और इन लीक पिक्स की मदद से आपको ये जानकारी मिलती है कि Redmi Note 6 Pro में आपको मिलने वाला है 6.26 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले, और साथ ही साथ इसमें 19:9 का एस्पेक्ट रेशियो आपको देखने को मिलेगा, मतलब Xiaomi के Redmi Note सीरीज में भी अब आपको नॉच सपोर्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों साथ ही साथ इस फोन के कैमरा में भी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स किए गए हैं,
Redmi Note 6 Pro में आपको टोटल चार कैमरा मिलने वाला है, मतलब कि ड्यूअल कैमरा सेटअप पीछे भी और ड्यूअल कैमरा सेटअप सामने की ओर भी। Redmi Note 5 Pro में भी आपको ड्यूअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता था, लेकिन उसमें सिर्फ पीछे की ओर ड्यूअल कैमरा सेटअप था, सामने की ओर आपको सिंगल लेंस कैमरा सेटअप देखने को मिला था। लेकिन Redmi Note 6 Pro के केस में आपको 12+5 megapixel का ड्यूअल रियर कैमरा और सामने की ओर आपको 20+2 megapixel का ड्यूअल सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। इसके साथ ही इसके बैटरी में भी कुछ अपडेट्स किए गए। वैसे तो इसमें 4000 mAh की बैटरी है, जितने की आपको Redmi के Note 5 Pro में मिलता था, लेकिन इसमें फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट दी गई है। मतलब Redmi Note 6 Pro में आपको Qualcomm के क्विक चार्ज 4.0 का सपोर्ट मिलने वाला है। दोस्तों, आप Redmi Note 6 Pro के बारे में कितना एक्साइटेड हो, आप क्या क्या चाहते हो इस फोन में, आपको क्या क्या मिलनी चाहिए और इसकी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, बताइएगा जरूर मुझे कमेंट्स में। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। तो अगला अपडेट है iOS 12 से रिलेटेड। iOS यूजर्स के लिए iOS 12 का फ्रेश और ऑफिशियल अपडेट रिलीज कर दिया गया है, और जिन डिवाइसेस को iOS 12 के अपडेट मिलेंगे उन डिवाइसेस की टोटल लिस्ट आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो। दोस्तों, iOS 11 के कंपैरिजन में iOS 12 में बहुत सारे अपडेट्स किए गए हैं। iOS 12 के केस में जो आप स्क्रीन जेस्टर्स यूज करते हो, मतलब आईफोन में जो आप फुल स्क्रीन जेस्टर्स यूज कर रहे हो, फिर चाहे पीछे जाने के लिए हो या फिर होम स्क्रीन पे जाने के लिए हो या कैमरा एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए हो, तो उस केस में आपको स्वाइप जेस्टर 70% ज्यादा फास्ट यूज कर पाओगे अब आप iOS 11 के कंपैरिजन में। और साथ ही साथ iOS 12 में जो भी आप अभी ऐप लॉन्च करते हो, मतलब आप जो आईफोन में एप्लीकेशन यूज करते हो उसको जो लॉन्च करते हो, तो iOS 12 के केस में वो आपको डबल स्पीड से लॉन्च होते हुए दिखेंगे। इसके साथ ही साथ कुछ और मेजर अपडेट्स किए गए। फिर चाहे बात आप फेस टाइम की कर लो, फेस टाइम में अब आप 32 लोगों के साथ एक साथ कनेक्ट कर सकते हो और ऑनलाइन वीडियो और ऑडियो स्ट्रीम कर सकते हो। ऑगमेंटेड रियलिटी के केस में भी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स किए गए हैं। और साथ ही साथ अगर आप कंपेयर करो iOS 11 को iOS 12 से, तो iOS 12 में आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो जिन भी एप्पल के यूजर्स ने अभी तक iOS 12 का अपडेट आपको नहीं मिला या फिर आपने अपडेट नहीं किया है, तो आप अपडेट कर लीजिए, क्योंकि iOS सॉफ्टवेयर के केस में iOS 12 एक गेम चेंजर हो सकता है। दोस्तों, बात वीवो के V11 Pro की। इसी महीने वीवो के V11 Pro को लॉन्च किया गया था और इसमें आपको कई सारे इंटरेस्टिंग और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और स्पेसिफिकेशंस आपको मिलते हैं। इस फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर्स मिला, इस फोन में आपको नॉच देखने को मिला और वो कॉन्वेंशनल नॉच नहीं था, इसमें आपको वाटर ड्रॉपलेट नॉच देखने को मिलता था, जो कि एक बहुत ही छोटा सा नॉच होता है। और साथ ही साथ इसमें आपको ड्यूअल कैमरा सेटअप भी देखने को मिलता था। लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम इसमें थी कि इसमें आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की फंक्शनलिटी नहीं थी, जो कि Vivo V11 Pro के जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, फिर चाहे वो Honor का Play हो या फिर MI का A2 हो या फिर Zenfone Max Pro M1 हो, इन सभी में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की फंक्शनलिटी थी। और थैंकफुली बहुत ही जल्दी इस प्रॉब्लम को Vivo ने एड्रेस किया है और Vivo ने रिलीज किया एक OTA अपडेट, जिसको कि आप अपडेट करने के बाद आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की फंक्शनलिटी अपने Vivo V11 में यूज कर पाओगे। अगर आपको अभी तक अपडेट नहीं मिला है तो फिर से आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ये भी एक OTA अपडेट है, तो आपको धीरे धीरे अपडेट मिल जाएंगे। और अपडेट करने के बाद इस OTA अपडेट से आप अपने Vivo V11 Pro में 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। दोस्तों, आज के लिए लास्ट अपडेट है गैलेक्सी के S10 से रिलेटेड। सैमसंग 2019 में अपने गैलेक्सी के S सीरीज का 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाला है और इसी मौके पे सैमसंग रिलीज करने वाला है गैलेक्सी S10। गैलेक्सी S10 में आपको जो सबसे इंटरेस्टिंग फीचर देखने को मिलेगा वो है इसके कैमरा के फील्ड में। मतलब गैलेक्सी के S10 में आपको टोटल 5 कैमरा देखने को मिलेगा। वैसे तो ये पेंटा लेंस कैमरा सेटअप नहीं है, जो कि आपको नोकिया 9 में देखने को मिलने वाला है। इसमें आपको टोटल 5 कैमरा मिलेगा ओवरऑल पूरे फोन में, मतलब ट्रिपल लेंस कैमरा सेटअप पीछे और ड्यूअल लेंस कैमरा सेटअप आपको सामने की ओर मिलेगा। और अगर ये पॉसिबल होता है, क्योंकि ये अभी तक खबर ही है, ये कोई ऑफिशियल नहीं है, अगर ऐसा होता है, पॉसिबल होता है, तो सैमसंग का गैलेक्सी S10 सैमसंग में पहला ऐसा फोन होगा जिसने की ट्रिपल कैमरा सेटअप को इंट्रोड्यूस किया। दोस्तों, आप क्या सोचते हो इस ट्रिपल कैमरा सेटअप या फिर पेंटा लेंस कैमरा सेटअप के बारे में और जो अभी आगे होने वाला है नंबर ऑफ कैमरा वार्स के बारे में, आप क्या सोचते हो मुझे बताना जरूर नीचे कमेंट में। दोस्तों, ये थे कुछ टेक्नोलॉजी अपडेट्स आज के लिए, जो कि आपको जानने चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी फ्यूचर है, तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में आपके आसपास क्या हो रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें वीडियो को या फिर मेरे चैनल रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, सवाल हो, सुझाव हो, तो प्लीज नीचे कमेंट करें और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि टेक्नोलॉजी रिलेटेड ऐसे ही मजेदार वीडियोस मैं आपके लिए रोजाना लेके आता रहता हूँ।